तो गाइस देख सकते हैं अब चाय के हम लोग थोड़ा फ्री हुए हैं यहाँ पे। समझ गया। कबाब को हम लोग इस तरह पकाते हैं हमारे ससुराल में। ठीक है, देख सकते हैं, देख सकते हैं गाइस। अब इसको पानी को हम सुखाएंगे पूरा, उसके बाद फिर ड्राई हो जाएगा। हाँ, बहुत बहुत टाइट हो गया आज, हम लोगों को बहुत काम था। ये कबाबों का तो बहुत सर का दर्द दिखता मुझे। अच्छा, और थोड़ा घर वाले भी हेल्प करें, सोके उठे, घर को जाकर आए, सोके उठे, और मेरा डैड उन लोग भी थोड़ी हेल्प करें दूसरे कामों में। बैक पेन बहुत हो रहा। समझ गया। और आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छे से गुजर गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मिलेंगे, फिर बताऊंगी। अभी नाइट शाम का डिनर। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, कुकिंग करना बाकी है मेरे को, फिर इंशाल्लाह मैं और बताऊंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक। मम्मी गई थी रिलेटिव से मिलने, तो अभी पापा आए थे दूध लेके, तो मम्मी बना रही थी शेरखुरमा, तो लेट्स सी। गाइस देख सकते हैं आप लोग, मम्मी से बात करते करते पापा बना रहे हैं शेरखुरमा। करते हैं आप लोग, यहाँ पर दूध रख दिए हैं एंड यहाँ पर बादाम डाल दिए हैं एंड देख सकते हैं आप लोग बात करते करते। मैंने बोला था अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। थोड़ा दूध निकालने को पापा ने दिया मुझे थोड़ा सा दूध, यहाँ पर डाल चुके हैं। तो गाइस हम खा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, सकते गाइस हम अभी मैं खा रही हूँ कैश्यू। हम सबसे पहले डाल लिए इसमें असली घी, अब डालेंगे काजू और बादाम। हाई फ्लेम पे कर देंगे हम, अच्छे से ब्राउन होने देंगे का आप लोगों को तो मालूम ही छूंगा, हैदराबाद में हम ये शेरखुरमा बोलते हैं। मैं ला रही असली घी में, बनाने का तो मज़ा कुछ और है गाइस, आप लोग भी ट्राई करिए, बहुत टेस्टी रहता है, बच्चे बड़े सब खा सकते पी सकते हैं माशाल्लाह से। अच्छे से ब्राउन करना होगा हमको इसको, अच्छे से वाइट ही चाहिए। डालूंगी इसको अलग बॉल में क्योंकि मेरे डैड के पास थोड़ा, अरे कहना क्या चाहते हो, खाने की ताकत नहीं है, दाता प्रॉब्लम है, इसीलिए जिसको खाने का मन रहेगा वो ऊपर से डाल लेंगे अच्छे से। डालूंगी सेमी, देख सकते हैं आप लोग, अभी मैं डालूंगी इसमें, तोड़कर इस तरह तोड़ना चाहिए हमको इस तरह, आपके ऊपर डिपेंड करता आप कितनी होना है उतनी ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा एकदम हार्ड होना है तो हार्ड में बना सकते हैं, लूज होना है तो लूज में। ठीक है, पूरा ब्राउन ब्राउन। अब मैं दूध को ऊपर रख दी हूँ, देख सकते हैं आप मलाई अच्छे से आ गई है इसमें। मैं शक्कर नहीं डाले हैं लोग, ऐसे ही गरम कर दिए, शक्कर डाल के हमको बॉईल करना होगा तो अच्छे से पूरा मेल्ट हो जाता हो। चलिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग, पूरा घी में अच्छा घी डालना होगा हमको, टेस्ट घी से ही आता है हमारे को ना, उसको अच्छे से। गाइस अभी मैं पापा को चाय देने जा रही हूँ। डालूंगी इसमें, देख सकते हैं आप लोग, ये पकी हुई सेमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे से डाल दो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इस तरह से, देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा लग रहा है। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे हम 10 मिनट्स के लिए। ये हो गया है हमारा शेरखुरमा, देखिए बॉईल हो रहा है गाइस, देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह कितना प्यारा आ चुका है मलाई वगैरह। मैं इसको गार्निश करूँगी, देखिए आप लोग देख सकते हैं आप लोग, मैं इसमें डाल चुकी हूँ बॉईल में, अभी मैं डालूंगी काजू बादाम
मुझे बहुत पसंद है ये काजू बादाम। ये देखिए मस्त, देख सकते हैं आप लोग, ओ माय गॉड, सो टेस्टी एकदम। अभी बच्चे लोग खाना खाए हैं, अभी नहीं पीते बोल रहे हैं, डैड भी खाना खा चुके हैं, अब मैं पी रही हूँ, बिस्मिल्लाह। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। I had a feeling you'd come back.